विन वीडियो आई होप आर डूइंग वेल सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आपने मेरा फेस पहली बार देखा है सो हाई माई सानिया एंड आई मेक वीडियो ऑन मेकअप ब्लॉग्स uh, बहुत सारी चीजों में बनाती रहती हूँ सो so, आज का वीडियो होने वाला है कि कैसे मैं अपने बालों को कट करती हूँ घर पे खुद से एंड वो भी लॉन्ग लेयर कट जिससे कि हमारी लेंथ ज्यादा नहीं जाती है लेकिन हमारे बालों के स्प्लिटेंट्स और जो रफ डैमेज हेयर होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं सो so, अगर आप जानना चाहते हो और आपको आप भी चाहते हो घर पे खुद से हेयर कट करना सो so, इस वीडियो को मैं बने रहें एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो गैस नीचे गिर गए सब्सक्राइब बटन में प्लीज क्लिक करें एंड उसके बगल में बेल बटन होगी उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में नोटिफिकेशन वालीफिकेशन पास टाइम पे आए लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बालों को इस वाले हेयर कट में आपने बालों को गीला नहीं करना आपने एक लेना एक स्ट्रेटनर एंड पीछे सॉरी आपने लेना स्ट्रेटनर मैं ले रही लू ये वेगा का स्ट्रेटनर अपने बालों को स्ट्रेटन अप करूंगी पूरी अच्छे से मतलब बिल्कुल भी कर्ल नहीं रहना चाहिए आई नो थोड़ा स्ट्रेटनर करने से लेकिन स्ट्रेटन करने से आपकी हेयर कट एकदम परफेक्ट आएगा सो एक बार तो कर सकते हो स्ट्रेटनर सो so, स्ट्रेटनिंग कर स्ट्रेटनिंग करके उसके बाद हम हेयर कट करते हैं सो मी गो एंड स्ट्रेटन माई देन आई बी राइट बैक सो आ गईज मैंने अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो हमें एकदम स्ट्रेट करना है एकदम स्ट्रेट uh, मैंने अपने सारे बालों को तीन लेयर्स सेक्शंस में करके स्ट्रेट किया है एंड uh, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं अपने हेयर्स को <laughs> हाँ हेयर्स को कट सो आप कटिंग स्टार्ट करते हैं एंड आपको बालों को टैंगल्स फ्री करना है अच्छे से उसके बाद आपको स्ट्रेटन करना है कोई भी स्ट्रेटनर से एंड देन हम लोग so, yeah स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कटिंग सोया गए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे लेयर्स कटिंग सो so, सबसे पहले आपको मेक श्योर sure करना है कि आपने अपनी मिडिल पार्टिंग कर ली हो जिसका मतलब है आपने एकदम बीज और बीच की मांग निकाली हो है हाँ ना एंड देखिए मैं एक कोशिश कर रही हूँ मेरी एकदम बीच की मांग निकली हो क्योंकि अगर बीच की मांग नहीं निकली होगी तो आपके हेयर स्टाइल थोड़ा सा आई मीन कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसके बाद आपको क्या करना है अपने बालों को एक फ्रंट सेक्शन करना है यानी एक बैक आपको अपने कान के पीछे से जैसे कि अभी आप देख रहे हो ना ऐसे ही बालों को सेपरेट करना है दो पोर्शन में ये जो लाइन दिख रही है आपको ऐसे ही ये वाले बाल आगे रखने हैं दोनों तरफ से ये सेम चीज़ आपको करनी है एंड जो पीछे के बाल हैं उनको आप एक पोन रबर बैंड या फिर एक, एक किसी भी चीज़ से क्लचर से आपको सेपरेट कर लेना ताकि वो हमारे हेयर कट में हमें डिस्टर्ब ना करें सो आगे सो जो आगे का सेक्शन लिया ना इसे हमें थ्री लेयर्स में कट करना है सो so, इतने बालों को हमें थ्री लेयर्स करना है सो so, हम अच्छे से बांध देंगे अपने पीछे के जो भी पोर्शन है एंड आगे वाले पोर्शंस को स्टार्ट करेंगे कट करना सो so, हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें जो सबसे ज़्यादा फेस के पास वाले बाल हैं मतलब फ़्रंट के बाल हमें कितनी क्वांटिटी में लेने हैं और हमें एक वी सेक्शन बनाना है जैसे कि हमें आप देख रहे होगे मैंने वी सेक्शन बनाया हुआ है एंड हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो कॉश्चिज रहना है क्योंकि अगर हमने फेस ज़्यादा ऊपर नीचे किया है तो हमारे बाल वैसे कर आप एकदम स्ट्रेट फेस रख के काटने हैं बाल नीचे नहीं देखना एकदम स्ट्रेट देखना है एंड आपको बहुत ही कॉशियस रहना है इस स्टेप पर एंड आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हो स्टार्टिंग के बाल की एंड अकॉर्डिंगली आप नीचे के बाल भी उस उससे काटोगे एंड जब कट के टाइम पे आपको याद रखना आपको नॉर्मल जो कट करो करोगे उसके बाद ब्लैंड कट करना है ताकि हमारे बाल इससे ना क्या कहते हैं मर्ज हो जाते हैं तो हमारी कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग अच्छी आती है मतलब जो रिज़ल्ट हो तो और अच्छा आता है सो आपको यहाँ पर बालों को बहुत ही टाइटली पकड़ना है जैसे कि आप देख रहे हो मैं तीन चार बार कर रही हूँ अगर आपको नहीं पकड़ पा रहे हो तो तीन चार बार करो एंड ये देखिए मेरे फ्रंट के हेयर्स कट हो गए मेरे को इतनी लेंथ चाहिए थी इसलिए मैंने इतना काटा उसके बाद इन दोनों ये जो बच्चा सेक्शन है इसको मैं दो पोर्शन से डिवाइड करूँगी क्योंकि उसमें हमें थ्री लेयर्स कट करनी है फर्स्ट लेयर हो गई है देन हम आप बढ़ते हैं सेकेंड लेयर की तरफ एंड हमें लेना है फर्स्ट पोर्शन के बाल को के साथ साथ एक इंच का डिफरेंस रख के हमें बाल काटने हैं सेकेंड लेयर के एंड जैसे कि भी आप देख रहे हो मैंने काट दिए हैं देन इसको भी हम ब्लंड कट करेंगे अपने दूसरे सेक्शन का आपको अंदर की तरफ से कैची चलानी है आपको बाहर ऐसे बाहर की तरफ करके नहीं करनी देखिए मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ दूसरे तरफ दोनों दोनों दोनो तरफ आपको उसके बाद मैंने ब्लेंड कट किया अभी आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ या so, yeah, हमारा ये सेकेंड लेयर कट हो चुका है देन आफ्टर दैट वील मूव ऑन टू आर थर्ड लेयर तो थर्ड लेयर में भी हम सेकेंड लेयर को ले कर उससे एक इंच का डिफरेंस रख के हम स्ट्रेट बाल काटेंगे देन उसके बाद हम उसको ब्लेंड कट करेंगे ताकि हमारे थर्ड लेयर भी ब्लेंड हो जाए अच्छे से सारे बालों में जैसे अभी आप देख रहे कितने प्यारे लग रहे हैं कट होने के बाद वैसे ही मैंने अपने दूसरी तरफ का भी करा काटे हैं देन उसके बाद मैंने उनको ब्लंड कट किया है ताकि हमारी जो थर्ड लेयर है वो मर्ज हो जाए फोर्थ और फिफ्थ लेयर के साथ अच्छे से जैसे कि आप देख रहे हो गे वो अभी आप देख रहे हो उसके बाद ये हमारे फ्रंट मतलब जो हमने दो सेक्शंस किए थे उसकी ये फर्स्ट सेक्शन की थ, थ्री लेयर्स हैं अब हमें सेकेंड वाले सेक्शन को भी करना है पीछे से आपको मिडिल पार्टिंग कर लेनी है वो आप किसी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन की हेल्प से आप करा सकते हो क्योंकि आप खुद नहीं कर पाओगे सो सेकेंड पोर्शन के फर्स्ट लेयर की बारी आती है अब दैट मीन्स हमारे फोर्थ लेयर की सो so हमें थर्ड लेयर को साथ में लेके कट करना है एंड देन फिर ब्लैंड कट करना है एंड सेम टेक्निक हमें दूसरी तरफ भी अपनानी है विदाउट एनी फेल एंड जैसे कि अभी आप देख रहे हो मैं कट कर रही हूँ आपको हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में कट करना है आउटवर्ड में नहीं क्योंकि हम ये लेयर्स कट कर रहे हैं आउटवर्ड में करोगे तो वो हमारी उतनी अच्छी लेयर्स नहीं आएगी एंड उसके बाद आपको ब्लैंड कट करना है भूलिएगा नहीं आई थिंक अब ये मेरी हाँ ये मेरी आ, थर्डी लेयर है सो so, इसको मैं मेरे ख्याल से पहले एंड आपको मैच करते जाना दोनों तरफ से कि बराबर हो ऐसा ना हो कि एक ऊपर हो गई एक नीचे हो गई सो so, मैंने मैच किया है एंड देन उसके बाद अब हमारी आती है बारी आ, फोर्थ फिफ्थ लेयर की सो so, अब हमारी आती है बारी फिफ्थ लेयर की सो so, हमने इसको फिफ्थ लेयर को लिया है एंड उस फोर्थ लेयर को साथ में ले कर वन इंच के डिस्टेंस से कट करेंगे देन ब्लेंड कट करेंगे आप समझ रहे हो न पूरी ऑफकोर्स अब तक तो आप समझ ही गए होंगे सो so, वही पूरा आपको रिपीट करना है प्रोसेस जब तक आपके सारे बाल आपके लेयर्स नहीं आते अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपके बालों पे लेयर्स कम आएगी तीन चार लेयर्स आएंगे और लंबे हैं तो आपके बालों पे लेयर्स ज़्यादा आ सकती है सो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो तो so, से दूसरी तरफ भी मैंने यही सेम टेक्निक की है इनवर्ड्स हमेशा याद रखेगा इनवर्ड डायरेक्शन में आपको बाल काटने हैं एंड दोनों तरफ आपको देखना होगा कि दोनों तरफ आपके सेम लेंथ में कट रहे हैं कि नहीं ऐसे नीचे रख रख के मैं देखती जा रही थी मिरर में हाँ सो so, उसके बाद आपको वही ब्लैंड कट करना है अच्छे से ताकि हमारी मर्ज हो जाए एंड ऐसे ही हमारा ये लेयर कट बहुत ही आसानी से हो जाता है इज जस्ट दैट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर अराउंड थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स एंड आपके घर पे बैठे बैठे देख रहे हो ना कितना प्यारा लुक आ रहा है अभी तो ये सब स्ट्रेट है इसलिए आपका लुक आ रहा है पार्लर में तो वो हेयर ड्रायर लगा के तो बहुत ही अच्छा कर देते हैं अभी हम मैं आपको दिखाऊंगी एंड में कैसा रिजल्ट आता है उस मतलब बची है हमारी लास्ट लेयर कट करने को सो स्टार्ट करते हैं सो so, ये लास्ट लेयर आ गई हमारी एंड देन इसको भी हम काटेंगे डिपेंडिंग अपॉन द इंच कितना हमें रखना है लेंथ एंड उसको ब्लेंड कट भी करेंगे एंड हम वैसे ही सेम टेक्निक मैंने दूसरी तरफ अपनाई सो दिस आर लास्ट लेयर हमने ऑलमोस्ट इसमें सिक्स लेयर्स काटी हैं थ्री इन द फ्रंट सेक्शन एंड थ्री इन दी बैक सेक्शन बाक्शन गाइस ऑल टोटल हमने सिक्स लेयर्स काटी हैं सो यू कैन सी द फाइनल लुक हाउ लवली माई हेज़ आर लुकिंग आफ्टर दी कट या yeah गाइज मैंने अपने बाल कट कर लिए हैं अभी मैं इनको थोड़ा सेट करके आती हूँ देन आई एल बी शोइंग यू कैसे लग रहे हैं अभी थोड़ा स्ट्रेट है ना तो आपको थोड़े मर्ज मर्च लग रहे होंगे अभी मैं करके आती हूँ देन आई एल लेट यू सी कि कैसे लग रहे हैं मेरे बाल बाय द वे आपने वीडियोस में देखा होगा कि स्टेप का लेयर कट कर करते हैं साथ ही साथ ट्रिमिंग भी हो गई हमारे बाल भी हेल्दी हो गए एंड वॉट यू वॉन्ट कि आपके बाल कम कटें एंड हेल्दी भी रहें प्लस आपको अच्छा सा लुक भी मिले सो so, या yeah, मैं अभी आती हूँ सेट करके दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप आपको ये कट अच्छा लगा हो एंड कुछ मैंने मैन ऑफकोर्स यहाँ पे मैं वीडियोज एंड फोटोज अटैच करने वाली हूँ सो so ये कुछ लग रहा था कट एंड अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा आज का लुक एंड ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अगर आपको और छोटे मतलब यहाँ करने हो तो आप इस फर्स्ट वाले स्टेप को थोड़ा छोटा काट सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप नीचे तक जा सकते हैं एंड या दैट्स इट फॉर डेज वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो उस पे मेरे को फॉलो करना ज़रा भी ना भूलें एंड uh, uh, मेरा हैंडल है आदित्य साल ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड वीडियो देखिए पसंद आई है ट्राई भी करेंगे तो सब्सक्राइब करके जाएं यहाँ से एंड डू लेट मी नो कि आपको ये घर पे ट्रिमिंग कैसी लगी और आपके हेयर्स में भी लेयर्स आ जाती है एंड बाल भी कम करते हैं अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना ज़रा भी ना भूलें मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय टेक केयर से प्यार करिए खुश रहिए